नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी पंचायती राज पे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड्स, ये आप कह सकते हो कि जनवरी 1957 में ये कमेटी बनी थी। इसको बलवंत राय मेहता जी की चेयरमैनशिप के अंदर में बनाया गया, तो सब कुछ इसके बारे में देखेंगे। बलवंत राय मेहता जी कौन थे ये भी हम लोग हल्का फुल्का देखेंगे। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके साथ साथ ये वीडियो फ्रेंड्स हिंदी में है, अगर आप इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये फोटो है बलवंत राय मेहता जी ने, ये कोमोमोरेटिव पोस्ट, ये कोमोमोरेटिव स्टैंप लॉन्च किया था इंडिया पोस्ट ने। इनके ऑनर में 3 रुपये का ये मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स कि बलवंत राय कमेटी के पहले कि ये जो कमेटी हेड कर रहे थे बलवंत राय मेहता जी थे कौन। पहली बात तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो है 1900 से 1965 तक। इंडियन पॉलिटिशियन थे ऑब्वियसली, गुजरात स्टेट के सेकेंड चीफ मिनिस्टर थे ये। और ये इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हिस्सा लिया था और उसके बाद बहुत से पब्लिक ऑफिसर्स को इन्होंने मैन किया है। खासकर 1957 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें ये जीत के भी आए थे, ठीक है। खास बात ये, इनको माना क्यों जाता है, क्योंकि इनको पंचायती राज का फादर कहा जाता है, मास्टरमाइंड कहा जाता है। कहा जाता है कि पंचायती राज को लाने की जो सबसे पहले एडवाइस दी गई थी वो इन्हीं के द्वारा दी गई थी। और हमारे देश के मूवमेंट की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में हुआ था, उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि साल्ट सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था 1930 में, और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि हुआ था 1942 में, इन सब में बलवंत राय मेहता जी ने पार्टिसिपेट किया। और अपनी ज़िंदगी के कुल 10 साल इन्होंने टोटल जेल में काटे हैं। ये जितने भी वीडियोस हैं आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सब पे मैं भी लेक्चर्स बना चुका हूँ। याद रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे फ्रीडम मूवमेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी, काफ़ी देशभक्त टाइप के इंसान थे। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी डेथ कैसे हुई। इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था आपको पता है 1965 में, उसके बाद 1971 में भी हुआ था। तो 1965 में 19 सितंबर 1965 को उस समय पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे बलवंत राय मेहता जी, ये एक ब्रीफ क्राफ्ट कम्यूटर एयरक्राफ्ट में बैठ के मीठापुर से कच्छ जा रहे थे। ये जो कच्छ है वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है। इनका जो जिस जहाज में उड़ के जा रहे थे, जिस हवाई जहाज में, उसके जो पायलट थे उनका नाम था जहांगीर इंजीनियर, ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस जहाज को मार गिराया, और जिसने इसको एग्जीक्यूट किया था वो उस पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट थे, वो थे कायस हुसैन। तो कायस हुसैन को ये बोला गया था कि ये जो है, वैसे तो ये केवल एक ट्रांसपोर्ट मिशन था कि जो चीफ मिनिस्टर थे इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, मीठापुर से कच्छ जाना था, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स को लगा कि ये भाई रिकॉनसेंस एयरक्राफ्ट है। रिकॉनसेंस मतलब एक ऐसा मिशन, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो एनिमी के यू नो स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एनिमी पे स्पाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सीक्रेटली बॉम्ब फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वॉर का माहौल था, पाकिस्तान में आर्मी को लगा होगा कि रिकॉनसेंस मिशन का एयरक्राफ्ट है, उन्होंने मार गिराया। और जब इस क्रैश में बलवंत राय मेहता जी तो ख़त्म हो ही गए, उनकी वाइफ भी ख़त्म हो गई, 3 मेंबर्स उनके स्टाफ के ख़त्म हो गए, एक जर्नलिस्ट और 2 क्रू मेंबर्स भी ख़त्म हो गए, ठीक है। अब अगस्त 2011 में ये बलवंत राय मेहता जी हैं और ये वो पाकिस्तानी पायलट हैं जिन्होंने मार गिराया था, ठीक है। अब ये पाकिस्तानी फाइटर पायलट जो कैस हुसैन हैं, इन्होंने 2011 में आके जो ब्रीच ग्राफ्ट पायलट थे जहांगीर इंजीनियर, इनकी डॉटर को अपोलोजाइज करते हुए कहा था कि ये सिविलियन प्लेन को पाकिस्तानी कंट्रोलर्स ने गलती से रिकॉनसेंस एयरक्राफ्ट समझ लिया और इनको ऑर्डर मिला कि इसको शूट डाउन करके गिरा दो, तो हमने इसको नीचे गिरा दिया। अब ज़बरदस्ती गिरा दिया या सच में इनको लगा था रिकॉनसेंस मिशन था, वो तो उस समय की बात है, किसी को भी नहीं पता थी। पर इसमें अनफॉर्चुनेटली बलवंत राय मेहता जी की हो गई मृत्यु। अब हम आते हैं ये जो पंचायती राज है इसमें इन्होंने क्या रोल प्ले किया है। तो जनवरी 1957 में कमेटी बनाई गई थी, हेड थे जब बलवंत राय मेहता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी। इसका काम क्या था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 को रिव्यू करना है।
अभी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बना था 1952 का और जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस बनी थी 1953 की, ये कुछ ऐसी सर्विसेज थी फ्रेंड्स। देखिए हमारी इन्फेंट डेमोक्रेसी थी, अभी अभी देश आज़ाद हुआ था, 1950 में संविधान लागू हुआ था, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारी मैक्सिमम आबादी रूरल एरियाज़ में लगती थी। तो ये जो प्लान थे कम्युनिटी डेवलपमेंट और नेशनल एक्सटेंशन, ये बेसिकली रूरल एरियाज़ को टारगेट करे जा रहे थे ताकि रूरल एरियाज़ अपने आप को सेल्फ सफिशियंट कर सके। तो जब बलवंत राय मेहता जी ने पूरे एनालिसिस की, और बलवंत राय मेहता जी से ये भी कहा गया था कि इन प्रोग्राम्स का आप एनालिसिस करें और उसके बाद ये बताएं कि इनको कैसे सुधारा जा सकता है, तो बलवंत राय मेहता जी ने नवंबर 1956-7 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट कहा और कहा गया कि हमको ज़रूरत है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। और जैसे ही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आया फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए पंचायती राज आ गया। कैसे आ गया? इन्होंने बोला तीन टायर का पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश करिए जिसमें ग्राम पंचायत होगी विलेज के लेवल पे, जिसको विलेज पंचायत भी बोलते हैं, पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पे, और जब डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएंगे तो वहाँ होगा जिला परिषद। ठीक है, जिला एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत से ब्लॉक्स होते हैं, एक ब्लॉक के अंदर बहुत से विलेज होते हैं, तभी भी बीडीओ अपॉइंट होता है जिसको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, क्योंकि बीडीओ के अंदर बहुत सारे विलेजेस आ जाते हैं और वह डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स आ जाते हैं। तो तीनों लेवल पे कहा गया कि भाई एक अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई जाएगी, और सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव और सबसे ज्यादा बेसिक लेवल पे कौन सी बॉडी होगी? ग्राम लेवल पंचायत, विलेजेस में होगी, जो डायरेक्ट सबसे रूरल एरियाज में जो डायरेक्टली लोगों के साथ एसोसिएट होकर काम करेगी उसको बोलेंगे ग्राम पंचायत। ठीक है, फिर इसने उन्होंने बोला कि ये जो ग्राम पंचायत बनेगी ना, इसका डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, और ये जो पंचायत समिति जिला परिषद बनेगी इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाना चाहिए। ये उस समय पे सुझाव दे रहे थे बलवंत राय मेहता जी, जब आप समझ लीजिए 1957 का टाइम है, उस समय पे देश कुछ ही दिन पहले आज़ाद हुआ है, कुछ ही सालों पहले, और हमारे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं है, इंडिया इतना एडवांस नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि उस ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। तो ये जो भी रिकमेंडेशन है फ्रेंड्स, इनको अगर आप आज के टाइम से कंपेयर करके देखेंगे तो काफ़ी प्रोग्रेसिव रिकमेंडेशन है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा गया कि पंचायत समिति केवल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी और जिला परिषद एक एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग और सुपरविजरी बॉडी होगी। देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं उन लॉज को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना। एग्जीक्यूटिव कभी भी लॉज को बनाता नहीं, वो बस लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। तो कहा गया कि पंचायत समिति का काम केवल एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह होगा, यानी वो केवल प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेगा, और ये जो जिला परिषद होगा वो एडवाइस करेगा पंचायत समिति को, पंचायत समिति के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और सुपरविजरी रोल रखेगा पंचायत समिति के ऊपर, यानी जिला परिषद का ग्राउंड लेवल पे जो काम करने में जो भागीदारी है वो बहुत ही कम होगी, वो बस एडवाइजरी नेचर होगा, सुपरविजरी नेचर होगा, उसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा। वो तभी इंटरफेरेंस होगा उसका जब कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा हो या कुछ बहुत एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत हो। उसके बाद ये कहा गया कि ये जो तीनों बॉडी बनाई जा रही हैं आपकी, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, तो आप इनको केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं बनाइए, ये जो डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं, जो प्लानिंग वर्क्स होते हैं, ये सब आप इनको दीजिए भी, क्योंकि जब आप इनको ये देंगे ना तो ये बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं, तो बेसिक लेवल पे इनको क्या क्या परेशानियां हैं इस बारे में इन सबको पता है, तो ये और अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए कहा गया कि इनको आप वो पावर्स भी दीजिए ताकि ये एफिशिएंटली काम कर सकें। जिला परिषद का चेयरमैन कौन होगा? जो सबसे ऊपर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके भैया चेयरमैन होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कि डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूटिव की बहुत बड़ी अथॉरिटी है। उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज बनाई जा रही हैं तीन टीयर्स में, तीन लेवल्स पे, ये केवल ऐसे काम नहीं कर सकती, इनको काम करने के लिए ठीक ठाक पैसा भी चाहिए, तो इनको रिसोर्सेज मुहैया कराने की जरूरत है, इनको फंड्स देने की जरूरत है, तो इनको फंड्स दिए जाए एडिक्वेट अमाउंट। ठीक है, अब वो फंड्स कैसे दिए जाए ये उस समय पर उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया बलवंत राय जी मेहता ने। इसके बाद अशोक कमेटी आएगी, फिर जी वी के राव कमेटी आएगी, थुंगन कमेटी आएगी, ठीक है फ्रेंड्स, उसके साथ गदगिल कमेटी रिपोर्ट आएगी, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि फाइनेंसिस के क्या क्या तरीका बाद में रिकमेंड किए जाते हैं। और कहा जाएगा कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे कंडीशंस बदलती जाएंगी, जैसे जैसे नई चैलेंजेस सामने आते जाएंगे, वैसे वैसे हम इन पंचायत्स को और इन ग्राउंड लेवल बॉडीज़ को और पावर देते जाएंगे ताकि ये और डेवलपमेंट में हिस्सा कर सकें, क्योंकि अगर आपको रियली में डेमोक्रेसी लेके आनी है तो डेमोक्रेसी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है। जब बिल्कुल बेस पे बैठा हुआ आदमी, गांव में बैठा हुआ आदमी अपने लिए कुछ कर पाएगा तभी वो रियल डेमोक्रेसी होगी।
और उसके बाद ये जो इनकी रिकमेंडेशन दी थी इसको 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिया। उस समय पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता था फ्रेंड्स, प्लानिंग कमीशन होता था, प्लानिंग कमीशन जो भी डिसाइड करता था उसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अप्रूव करता था। तो इन रिकमेंडेशंस को भी 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने अप्रूव किया। हालांकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी, प्लानिंग कमीशन भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी, एग्जीक्यूटिव स्टेट्यूट से बने थे दोनों, अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई कि भले ही पंचायती राज ये तीनों टीयर पे ये सब बनने की बात हुई हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर स्टेट्स को दे दी गई। भले ही बात कर ली गई कि हाँ भाई ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इन प्रिंसिपल्स पे काम होना चाहिए, लेकिन स्टेट्स को पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए कि आप अपने हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी सहूलियत के हिसाब से। और अपनी सहूलियत के हिसाब से स्टेट में जो सेंटर में बैठा हुआ एग्जीक्यूटिव है, क्या वो नीचे के लोगों को पावर देगा? पॉलिटिक्स का मतलब ही उस समय पे पावर था, आज भी, कि आप पावर में हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके पास ताकत है। अगर आप डायरेक्ट ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को लेके आओगे तो ग्रास रूट लेवल के लोगों के पास पावर चली जाएगी। तो क्या स्टेट एग्जीक्यूटिव जो विधानसभा में इंसान बैठा है, क्या वो नीचे पावर देना चाहेगा? वो जल्दी नीचे पावर नहीं देना चाहेगा। इसीलिए उस समय पे इन रिकमेंडेशंस पे, जो कि बहुत प्रोग्रेसिव रिकमेंडेशंस हैं, इस पे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। फिर इसको शुरुआत लेकिन इसकी हो गई थी फॉर्मल, प्रधानमंत्री ने जाके राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट से इस स्कीम को लॉन्च कर दिया था 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद आंध्र प्रदेश वो दूसरा स्टेट बना जिसने इस पंचायती राज ये थ्री टीयर स्कीम थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वाली, इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में लगभग सारे स्टेटों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग उनकी फंक्शनिंग का तरीका बदल रहा था, जैसे टीयर्स बदल रहे थे, कुछ जगह पे केवल 2 टीयर्स थे, कुछ जगह पे 3 थे, कुछ जगह पे 4 थे। कंपोजिशन का तरीका बदल रहा था, उनके काम करने का तरीका बदल रहा था, उनको कैसे पैसे देने बदल रहा था, वो उनके पास क्या क्या अथॉरिटी हैं, ये सब कुछ स्टेट बाई स्टेट बदल रहा था। तो ये था फ्रेंड्स आपका बलवंत राय जी मेहता कमेटी। हालांकि जिस समय पर रिकमेंडेशंस दी गई थी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी, पर बहुत कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो समय बहुत चैलेंजिंग था, उस समय लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, लोग अपनी प्रॉब्लम से परेशान थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, नया नया ज़माना था उस समय पे, पॉलिटिक्स और ज़िला कलेक्टर टाइप के जो लोग थे ये उस समय पे खुदा हुआ करते थे, इनके सामने बैठकें लगा करती थी। आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लोग थप्पड़ मार देते हैं, उस समय पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बाहर आता था अपने घर के तो वहाँ पे सामने जमघड़ खड़ा होता था, 500 लोग खड़े होते थे कि साहब हमारी मदद करो, साहब हमारी मदद करो। आज भी ऐसा होता है पर आज अकाउंटेबिलिटी बहुत हो गई है। तो उस समय पे इस लेवल पे, आज के लेवल पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को अप्लाई करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी एक शुरुआत हो गई थी बलवंत राय जी मेहता की कमेटी के बाद, जब 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसको अप्रूव कर दिया। इसके बाद हम लोग और कमेटीज की रिपोर्ट देखेंगे जल्दी जल्दी, और फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पहुंचेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, पसंद आई हो तो जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं कि वीडियोज आपको कैसी लग रही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, टेक केयर।